उधर बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने दरअसल दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि दोनों हाथों में लड्डू रखने के बजाय दीपेंद्र सिंह हुड्डा में अगर हिम्मत है तो फिर राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में आए। कुमारी शैलजा का हक छीनकर राज्यसभा पहुंचे थे। वापस टारगेट हो रहा है, आपने बताओ, कोई मुझसे नहीं पूछो, पार्टी से, उसकी तुम्हें क्या बात, पार्टी से नहीं पूछो। अरे पार्टी ने पहले तो दलित नेता तंवर की खराब मिट्टी करी, फिर एक दलित नेत्री महिला का हक छीन लिया, कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा जुल्म किया, उसका हक छीन करके राज्यसभा में जाके बैठ गए, उसका हक छीना, कितना बड़ा काम किया। अब मैं एक बात पूछूं, मेरे को टारगेट हो रहा है, मेरे को टारगेट कर, तू टारगेट अपने आप हो रहा है, तो राज्यसभा दोनों हाथों में लाडू ले रहे, राज्यसभा छोड़ राज्यसभा लंगोट बांध करके मैदान में, अरे राज्यसभा भी लोकसभा भी, अरे मैं कह रहा हूँ इस बात का जवाब मांगना, ये नहीं भाई गुण गुण करके ना कहते भाई मैं ऐसे कैसे करूँ, फलाना वो करेगा तो मैं करूँगा, वो करेगा तो कर, नो 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 नो, नो।